लोकतंत्र में वोट मांगना सबका अधिकार है। हमारे जो हमारा जो हमारी संस्कृति है, यहाँ संस्कृति में हम किसी घर जाते हैं तो वो उसको आदर सम्मान करता है। वोट डालना नहीं डालना वो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। जो मैंने वो बड़ा वीडियो भी देखा और इस वीडियो वो मैंने देखा है और इसमें मैं अपने आप गया हूँ। हालांकि मुझे बाद में पता लगा कि वो वीडियो बना रहे थे, मैं अगर वो मुझे पता लगता तो मैं उनको बोलता कि आप वीडियो जो है सामने कैमरा रख के बनाओ। जो समझदार लोग होते हैं वो बात करते हैं, ठीक है हमें पता है कि वो पहले अपने बेटे को वोट डालें कि मुझे डालें। आज आपने बंगाणा में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया, इसके बारे में आपसे बताइए यहाँ पे कितने बंदे बैठेंगे और ये कब तक आपका ऑफिस चलेगा? देखिए जब तक तो चुनाव है उस कार्यालय को हम यहाँ से चलाएंगे और चुनाव के बाद भी बंगाणा में कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यालय होगा और उस कार्यालय के लिए जो हमने परमानेंट जो स्पेस है उसको देखना हमने शुरू कर दिया है। यहाँ पे परमानेंट हमारा जो कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है उस कार्यालय में बैठेगा और ये आज से एक नई चीज़ कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए होगी कि बंगाणा में कार्यालय होगा, वहाँ पे एक होल टाइमर बंदा वहाँ पे बैठेगा। जो जितने भी लोग हमारे बंगाणा में काम करने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए वो सुविधा वहाँ पर देगा और उस कार्यालय में जितने भी लोग हमारे आएंगे उन लोगों को जो है वहाँ पर बैठने के लिए बाहर से कोई आता है और एक या दो कमरे हम रखेंगे उनको लिए, कोई बाहर से दूर दराज से कोई आता है तो उसको रुकने के लिए भी अगर हुआ तो हम ऐसा प्रावधान जो आने वाले समय में कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे बाहर से भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे आसपास के जो है वो एरिया जो है वो जहाँ पे रात को बसेज नहीं आती हैं, हम कार्यालय ऐसे बनाएंगे जहाँ पर जो हमारे जो कांग्रेस के या कोई भी लोग जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं अगर दूर दराज से रात को आते हैं उनको रुकना भी है तो रुकने के लिए दो कमरे भी हम व्यवस्था करेंगे और एक हमारे कार्यालय में यहाँ पे परमानेंट जो व्यक्ति वो बैठेगा। जब तक हमारा चुनाव है चुनाव में के दौरान हमारे जो सीनियर जो लोग हैं वो उस कार्यालय में बैठेंगे और मतलब जो आप कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो लोग समस्या आएंगी उसका भी यहाँ पे लेखा जोखा बिल्कुल देखिए इस करके रखा जाएगा क्योंकि इस प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और सरकार जो है वो पूरी स्थिरता के साथ काम कर रही है और आने वाले समय में भी कांग्रेस का जो है वो यहाँ पे सरकार है। तो निश्चित तौर के ऊपर जो लोग आज चुनावों में काम कर रहे हैं चुनाव के बाद भी जो लोग जिनको यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे है सारे कार्यालय यहाँ पर हैं तो बंगाणा में जो भी उनके कामों करने के लिए जो जनता से वायदे उन्होंने किए हैं जनता के साथ जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं उनको लेके जब भी उनको कोई परेशानी आए तो हमारे यहाँ पे जो हम सीनियर कांग्रेस के लोग हैं वो यहाँ पे जो है बैठा करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए डायरेक्ट कार्यालय के साथ उनका संपर्क रहेगा। आज आपका अपर फ्लैट में डोर टू डोर का प्रोग्राम था तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे? देखिए अपर और लोअर की तो बात ही नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे कुटलहट में आज जो भारी जनसैलाब जिस तरह का जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी का हमने चार कार्यक्रम यहाँ पे कराए, जनता में बहुत ज़्यादा जोश है। जो पहले रोष था उस रोष का को जो है वो जोश में उसका परिवर्तन हो चुका है। अब जनता जो है एक एक दिन जो है वो जो कम हो रहा है उसके ऊपर लगातार अपना दिन रात जो है मेहनत करके जो है लोगों का कोशिश है कि हम यहाँ से जो है भारी मतों से जो कांग्रेस को यहाँ से जिताएं ताकि जो है वो आने वाले समय में कुटलहट एक इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाए। एक कल वीडियो वायरल हो रही थी कि भुट्टो के समर्थक किसी घर में गए थे वहाँ के वहाँ पर उनको खदेड़ा गया और आज एक छोटा सा वीडियो और वायरल हुआ आपका भी वहाँ पर वायरल हुआ कि आपको भी वहाँ से खदेड़ा गया, इसमें थोड़ा सा नहीं मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर देता हूँ। जो मैंने वो बड़ा वीडियो भी देखा और इस वीडियो वो मैंने देखा है जी हाँ। और इसमें मैं अपने आप गया हूँ, हालांकि मुझे बाद में पता लगा कि वो वीडियो बना रहे थे, मैं अगर वो मुझे पता लगता तो मैं उनको बोलता कि आप वीडियो जो है सामने कैमरा रख के बनाओ ताकि उनके जो अधूरा ज्ञान है मैं उसको जो है वो पूरा सुन। वो कह रहे थे कि चुनाव के समय आप आए और चुनाव के पहले आप कभी नहीं आए, तो उनको जो उनकी जानकारी मैं स्पष्ट कर रहा था कि देखिए मैं 30 वर्ष से संगठन में यहाँ पर हूँ। अब मेरे को लगता है कि जितनी उनकी उम्र नहीं उससे ज़्यादा जो है वो मेरा संगठन का तजुर्बा है उनकी शायद, क्योंकि एक एज होती है और एज के बाद एक समझ आती है
तो 30 वर्ष तो मुझे जो है काम करते होंगे, अगर उनकी 35-36-40 साल भी अगर उम्र होगी तो 10 साल के बाद ही बच्चे को थोड़ी बहुत अकल आती है और याद भी रहता है, तो उनकी उस समय से शायद परे हैं। मैंने उनको बताया कि कोरोना काल की बात कर रहे थे, और पूरा कुटलहड़ जानता है इस बात को कि कोरोना में सबसे ज़्यादा हमने बिना नाम से हमने व्यक्तिगत को ना पार्टी का ना किसी का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमने जो है 500 से ऊपर कार्य जो घरों को जो है राशन दिया, हमने किसी भी परिवार का नाम नहीं लिया। यहाँ पे पानी की समस्या थी, हमने लगातार 6 महीने कुटलहड़ में फ्री पानी का टैंकर चलाया, और वो कह रहे थे हमें इस बात का पता नहीं। मैं क्या बाबा को नहीं पता, अखबार के माध्यम से जो है वो नंबर हमने एक जनरेट किए कि ये लोग हैं जिनको आप संपर्क कर सकते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वैसे भी अच्छे परिवार से ठीक उनका पीछे होगा, उनको ज़रूरत थी नहीं क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार से के साथ उनका संबंध है। तो वो चाह रहे थे कि कल जो वीडियो वायरल हो तो हम भी एक वीडियो बनाएं, तो वो उसके बदला ले रहे थे कि शायद हम वीडियो बनाएं, वो तो जनता ये तो बना रहे थे। और दूसरी बात, लोकतंत्र में वोट मांगना सबका अधिकार है, हमारे जो हमारा जो हमारी संस्कृति है, यहाँ संस्कृति में हम किसी घर जाते हैं तो वो उसको आदर सम्मान करता है, वोट डालना नहीं डालना वो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। तो वो थोड़ा सा जो व्यवहार वो कर रहे थे कि जी ये नहीं करना है वो नहीं करना है, वोट हम डालें नहीं डालें, अरे अब मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, जो जितने भी मैं घरों में जाके आया हूँ तो मैं ये समझ लूँ कि जितने घरों में जाके आया सभी लोग मुझे ही वोट डाल लें, तो ये मेरा वो हाँ मुझे विश्वास होना चाहिए कि ये लोग जो है मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनको अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करूँ। तो वो लड़ने की बात कर रहे थे, और बाद में पता लगा कि वो हिडन कैमरे के साथ वीडियो बना रहे थे, तो अगर वो सामने से कैमरे से बनाते हो जैसे आपके साथ बात कर रहे हैं वैसे उनके ही बताते हैं, और उनका ज्ञान जो है वो थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि भाई आपकी जानकारी पहले पूरी लीजिए कि कोरोना के समय में कौन कहाँ था। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ, उनसे उन्हें मिले जो समझदार लोग होते हैं वो बात करते हो ना, ठीक है हमें पता है कि वो पहले अपने बेटे को वोट डालेंगे मुझे डालेंगे, मगर वो बोला ठीक है जी आप आए आप कर, मगर और उनासी आदि के अगर आपका कैमरा मैन ने देखे कि ये कोरोना काल का समय के ये आप नज़र आ रहे हैं कितने लोग खड़े हैं, यहाँ पानी का टैंकर नज़र आ रहा है, और उसके बाद ये बात कर रहे थे कि जी राशन, ये देखिए ये गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको जिसमें गाड़ियों में राशन दिया जा रखा है, तो ये राशन में अपने घर तो लेके नहीं गया, जनता में बांटा होगा, तो उनको रखा ना उनको उनको जो है। सर मेरा एक लास्ट प्रश्न रहेगा, ये किटे हैं जनता को देने के लिए जी, ये कुटलहड़ के विजन की बात करूंगा मैं थोड़ी सी आपसे, दो मिनट में शॉर्ट में जवाब दूंगा आपसे जी, कुटलहड़ के विजन के लिए आपका क्या एम है? देखिए बड़ा स्पष्ट है, कुटलहड़ में हमने युवाओं के लिए जो है रोज़गार का प्रावधान हमने करना है, कुटलहड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं जो जिसके लिए हम लड़ाई पहले से लड़ते रहे, सरकार का मेन मोटिव स्वास्थ्य को लेके है, हम उसके ऊपर काम करेंगे। कुटलहड़ में पर्यटन की दृष्टि से उसको बढ़ावा देने के लिए हम उसके लिए काम करेंगे, और कुटलहड़ जो एक नाम नहीं एक रियासत है, उस रियासत को का जो नाम है जहाँ पे कुटलहड़ में किले हैं, हम उन किलों को जो है जो हमारी धरोहर है हम उसको भी जो है वो जनता के सामने लेके आएंगे। जो हमारा विश्व के मानचित्र के ऊपर एक चिन्हित जो है भाखड़ा डैम है, हम उस डैम को भी जो डैम को और गोविंदसार झील को भी लोगों को देखने के लिए जो आकर्षित है उसका आकर्षण और बढ़ाएंगे, और यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जाएगी, हमारा विज़न है। और निश्चित तौर के ऊपर पानी की समस्या कुटलहड़ की बहुत बड़ी समस्या है, और सरकार ने BBMP से परमिशन का वो काम ख़त्म कर दिया है, तो सिंचाई की बड़ी योजना है पानी की बड़ी योजना जो यहाँ पे होंगी, पिछले कल उप मुख्यमंत्री भी इस बात को बोल चुके हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर कुटलहड़ में आम जनता से जुड़े मुद्दे होंगे वो हमारे होंगे और हम उनके ऊपर काम करेंगे, और निश्चित तौर के ऊपर जो है वो यहाँ पे आने वाले समय में जनता का जो रोष और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद जी।